लाल किले में भारत आया, पूरा भारत यही समाया। वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। हम आ पहुंचे हैं लाल किले में, जहां पिछले 9 दिनों से चल रहा था भारत पर्व, और हम यहां भारत पर्व को देखने आए थे। हर वर्ष गणतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ये पर्व मनाया जाता है। भारत के विभिन्न प्रांतों से प्रांतीय सामान बेचा जा रहा था यहाँ, जैसे कि असम की चाय, भारत की सबसे तेज मिर्च भूत झलोकिया यानी कि घोस्ट पेपर, पंजाब की फुलकारी, घी, केरला के मसाले इत्यादि। इसी के साथ एक पैन इंडिया क्राफ्ट्स बाजार जिसमें 60 भी था, जिसमें लगभग 60 हस्तशिल्प स्टॉल्स थे। हैंडलूम्स मेला, लोक आदिवासी नृत्य प्रदर्शन भी इस पर्व में शामिल थे। रिपब्लिक डे परेड की टेबल्स भी यहाँ दर्शकों के लिए लगाई गई थी। बचपन से ही मैं इन्हें करीब से देखना चाहती थी और मेरी ये ख्वाहिश भी यहाँ आकर पूरी हो गई। और जब मैंने इनकी हर एक बारीकी को देखा तो बस नज़र ही नहीं हट रही थी और मन बोल रहा था, हाँ वही जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चल रहा था बीच में एक डायलॉग, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। किसी झांकी में सुंदर पेंटिंग की गई थी तो किसी में बाजरे के दानों को चिपकाकर आकार दिया गया था। छोटे छोटे पुतले जो टीवी में दिखाए जाने वाले परेड में नजर नहीं आते, उनमें भी चेहरों के भावों को बनाकर मानो उन्हें जीवित कर दिया। भारत पर्व में बज रहे गाने भी कम नहीं थे। हाँ, वही गाना जो थीम सॉन्ग था और पूरे भारत पर्व के कैंपस यानी कि लाल किले के ग्राउंड पे बज रहा था, उसे भी बड़ी सुंदरता से शब्दों और धुन में पिरोया गया था। आशा है अगले साल जब ये भारत पर्व लगेगा, आप भी लाल किले में आकर देखेंगे कि ये पूरा का पूरा भारत कैसे एक लाल किले के गार्डन में, उसके लॉन में फिट हो गया, या पूरे भारत को एक ही जगह पाएंगे। इतना सुंदर दृश्य आपको अगले साल फिर 26 जनवरी के आसपास ज़रूर मिलेगा। तो आइएगा ज़रूर दिल्ली और देखिएगा भारत पर्व को और सारे प्रांतों को एक साथ। इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।